हम लोग आए हैं यहाँ पर जॉय विला में। ये देख सकते हैं आप पीछे जॉय विला है, और ये बना रहे हैं सफर जी, पलन जी लोग बना रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। अप्रॉक्स मुझे अभी एरिया अंदर जाके पता चलेगा कितना एरिया है, और साथ ही साथ अंदर कितने 2 BHK 1 BHK वो भी दिखाता हूँ आपको। इसका पूरा यहाँ पर ये मार्केटिंग ऑफिस है, आप देखिए सेल्स ऑफिस है। तो अंदर जाके हम लोग देख रहे हैं कि क्या कैसे है और क्या क्या प्राइजेस है। सिंपल जो रहेगा इनका वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बताइएगा कैसा लगा आपको। और अभी अंदर ज़्यादा तो नहीं एक्सक्लूज हो सकता, बट जितना हो सकता है मैं उतना आपको दिखा देता हूँ। गाइस ये है एक सिंपल फ्लैट, हम लोग यहाँ पे देखने आए हैं फ्लैट। तो देखिए इसका जो एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है, बहुत अच्छे तरीके से एंट्रेंस यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं उसमें। और इसका जो इन्होंने साइज रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 फीट 1 इंचज़ इंटू 4 फीट 11 इंचज़ ऐसा रखा हुआ है इन्होंने साइज़। और ये है आपका पूरा कम्प्लीट ड्राॅइंग रूम। इस ड्राॅइंग रूम से अटैच ही यहाँ पर डाइनिंग टेबल दे दिया गया है, ठीक है। और मुझे डाइनिंग यहाँ पे जो अपना ड्राइंग रूम है, इससे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये लगा कि यहाँ पर इन लोगों ने बहुत ही अच्छी बालकनी दे दी है इस तरीके से। तो ये लॉबी जो है काफ़ी अच्छी है बालकनी, तो ये काफ़ी बड़ा भी है, और यहाँ से आपको डायरेक्ट व्यू दिखेंगे, ठीक है, जो भी आगे का व्यू रहेगा। सिंपल प्रोजेक्ट है तो आप समझ सकते हैं ग्राउंड पर रहेगा। इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ क्या रखा गया है, 10 फीट 6 इंचज़ इंटू 5 फीट। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लोगों ने बना दिया है। और ये आपका किचन है, किचन को काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया इन्होंने, और ये डिज़ाइन किया हुआ है 8 फीट 6 इंचज़ और 7 फीट इसकी वेड्थ है। तो ये किचन है आपका। किचन के बाद यहाँ पर आपके पास सो दिस इज़ बेडरूम, दिस इज सिंगल बेडरूम। तो बेडरूम में यहाँ पे जो साइज़ उन्होंने दिया है 10 फीट और 11.6, मतलब 10 फीट इसका लेंथ रखा है और 11.6 कुछ इस तरीके से व्यू है, आप देख सकते हैं। सबसे अच्छा जो इनका ध्यान दिया है इन लोगों ने, वो आप लोग भी ध्यान सकते दे सकते हैं, वेंटिलेशन का, हर जगह पे फुल वेंटिलेशन। और कुछ इस तरीके से इन्होंने एक सिंपल फ्लैट है जो हम लोग देख रहे हैं, तो इस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, अच्छा है। लेट्स सी नेक्स्ट रूम कैसा है, मास्टर बेडरूम। उससे पहले यहाँ पर गाइस आपको दिखाते हैं हम लोग, ये टॉयलेट है इनका, और टॉयलेट रूम का जो इन्होंने दिया है साइज़ दिया है 7.6 इंटू 4.9। तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका साइजेस मेजर करना और साइजेस समझना कि कितना साइजेस है। तो ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है, बट ये कहूँगा कि आपका इतने में सफिशियंट हो जाएगा अगर आप अपार्टमेंट्स बना रहे हो तो। ये गाइस इनका मास्टर बेडरूम है, थोड़ा बड़ा है मास्टर बेडरूम इसका, 10x13 इसका साइज़ दिया है, 10x13। थोड़ा सा और होता अगर तो और भी अच्छा रहता, बट ये भी एक अच्छा स्टैंडर्ड साइज़ है। इसमें भी इन्होंने वेंटिलेशन का पूर्ण ध्यान दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए मैं कैमरा नहीं लाया तो मोबाइल से बना रहा हूँ, सो आप समझिएगा इस चीज़ को। और ये इनका बेडरूम में ये कुछ इस तरीके से वार्डरोब वगैरह आप लोग अपना इंटीरियर कर सकते हो बाद में। और इसका जो इन्होंने प्राइस रखा हुआ है, अप्रॉक्स कितना रखा हुआ है, 67 लाख रखा हुआ है, कितना 67 लाख। सिंपल मैं आपको दिखा दूंगा, सिंपल भी आप देख लीजिएगा प्रोजेक्ट का। और 1 BHK का इनका जो है अप्रॉक्स 38 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, 1 BHK 38 पॉइंट समथिंग, और 2 BHK इनका 67.67। यहाँ पे भी इन्होंने वेंटिलेशन का पूरा ध्यान दिया हुआ है, देखिए आप ध्यान से, बहुत अच्छा वेंटिलेशन मुझे लगा इनका। तो देखिए एक इंजीनियर अगर डिज़ाइन कर रहा है तो उसको वेंटिलेशन का हमेशा ध्यान देना चाहिए। बाकी तो आपको मैंने पूरा लोकेशन तो दिखाई दिया था वहाँ पे, तो
तो कुछ इस तरीके से इनका ये मास्टर बेडरूम है।